जोधपुर के राजकीय चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती बाजपुर के पास कनोरा गांव के रहने वाले एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सालय प्रबंधन हरकत में आ गया, जिसके बाद आज हॉस्पिटल के करीब 1.5 दर्जन से अधिक स्टाफ का ब्लड सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व दिल्ली में कार्य करने वाले बाजपुर के पास कनोरा गाँव के निवासी 3 युवक कार से ड्राइवर के साथ काशीपुर में आ रहे थे कि काशीपुर के सूर्य पुलिस चौकी पर बनाए गए बॉर्डर पर सभी को रोककर उनकी स्कैनिंग करने के उपरांत काशीपुर के LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में आइसोलेट कर इनके सैंपल हल्द्वानी भेज दिए गए थे, जिसके बाद बीती सायं इन सभी की सैंपल रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें से एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रबंधक में हड़कंप मच गया था। आनन-फानन में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे तथा पॉजिटिव मरीज को हल्द्वानी इलाज के लिए भेज दिया गया। साथ ही बाकी 3 साथियों को उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज के पॉजिटिव निकलने के बाद आज अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया, जिसके तहत अस्पताल के 2 दिनों में ड्यूटी में तैनात 21 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। कोरोना नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि इन सभी की सैंपल रिपोर्ट कल आ जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज 5 लोगों के संपर्क में आया था, जिसकी जाँच की जा रही है। कोविड-19 का कल पेशेंट यहाँ ज्ञात में आया, उसके बाद उसे हल्द्वानी भेज दिया गया और उसका इलाज वहाँ शुरू हो गया। रात को मेरी डॉक्टर परमजीत से बात हुई थी और मॉर्निंग में उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने पता करी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में 5 लोग आ रहे हैं, उन 5ों के सैंपल ले लिए और बाकी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर जिन्होंने उनके सैंपल निकलवाए हैं, पैथोलॉजी वाले ने मदद करी है, कैंटीन वाले ने खाना पहुँचाया है और वहाँ जो झाड़ू पोछा करने के लिए स्वीपर और हमारा नर्सिंग स्टाफ था, सभी के सैंपल्स ले लिए और कल तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी।